हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से स्टार्ट करते हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी, और उसमें पढ़ाएंगे हम आपको आज चैप्टर डेप्रिसिएशन। तो चलते हैं डेप्रिसिएशन की साइड। पहले समझाएंगे थोड़ी सी थ्योरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है। देखो, कोई भी एक चीज़ होती है आपके पास, जस्ट लाइक जैसे एक मार्कर है ना, ये हमने खरीद लिया, परचेज कर लिया, तो क्या ये अगर हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये ऐसा ही रहेगा क्या? हमेशा नहीं रहेगा ना, इसकी वैल्यू दिन पे दिन कम होती जाएगी। या मोबाइल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जिस दिन से आपने खरीद लिया उसके बाद उसकी वैल्यू लगातार डाउन होती जाती है। बस एसेट्स, यानी कि यहाँ पर किसी भी एसेट को होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे फिक्स एसेट्स की, और वो भी फिक्स एसेट वो जो टेंजिबल है, इट के मतलब जो दिख सकती है, दैट कैन बी सीन। तो वो फिक्स एसेट्स जो दिख सकती हैं, टेंजिबल होती है, उसकी वैल्यू का डाउन होना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। समझ गए आप मेरी बात को? कोई भी चीज़, जैसे एक बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने बनवा दी, तो ये धीरे धीरे एक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है ना, उसमें डेप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ कुछ कमियां होनी स्टार्ट हो जाती है। किसी भी हमने कोई भी गाड़ी परचेस की है, हमने घर का फर्नीचर बनवाया है, तो ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें एक टाइम बाद ये सब क्या होता है, ये डाउन होना स्टार्ट होती है, इसकी वैल्यू डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, बस वही डेप्रिसिएशन। सिंपल वर्ड्स में समझ लें आप। देखिए, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि इसमें टेंजिबल एसेट्स आते हैं, है ना। क्यों? अब ये चाहिए, ये होती है यूज ऑफ एसेट्स, हम एसेट को यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डाउन होती है, या फिर एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स होती है कोई भी चीज़, उसके बाद खत्म होनी होनी, जैसे कोई भी मशीनरी है, मान उसका टाइम पीरियड 10 साल की उसकी लाइफ है, तो 10 साल के बाद वो स्क्रैप में बदल जाती है, तो वो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है, या फिर ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब होता है टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो जाना। तो जैसे एक मशीनरी है, पर वो मशीनरी, अब मशीनरी जो नई आई है वो अपडेट होकर के आई, तो जो पुरानी मशीनरी है उसके कंपेरिजन में कैसे जाते हैं, बेकार पड़ी जाती है, तो स्क्रैप में चली जाती है हमारी, तो वो आ जाता है। तो ये कुछ रीज़न हो जाते हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है डेप्रिशिएशन। समझ गए? अच्छा, इसके फीचर्स जब हमने ये पढ़ा तो क्या समझ में आया कि फीचर फॉल इन द बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? आपकी एसेट्स की बुक वैल्यू जो लिखी हुई है उसमें, उसका फॉल होना, ठीक है। रिड्यूस द बुक वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू, इसमें मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने जितने की बनवाई, माने बिल्डिंग हमने बनवाई 5 लाख की, तो 5 लाख क्या हो गई, ये इसकी बुक वैल्यू हो गई, ठीक है। हम धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि बुक वैल्यू कम हो रही है, हो सकता है मार्केट वैल्यू और इंक्रीज हो रही हो, तो मार्केट वैल्यू कम हो ये नहीं हम कह रहे, हम कह रहे हैं इसकी बुक वैल्यू डाउन होती है। समझ रहे हैं? चलो, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ऐसा नहीं हो सकता कि डेप्रिशिएशन अभी हुआ उसके बाद कभी नहीं होगा, नहीं, डेप्रिशिएट होती ही जाती है, होती ही जाती है। और फिर अगर हम देखें तो वर्ल्ड की ये जो पूरा अगर हमारा पूरा एक वर्ल्ड है, संसार है, इसमें हर चीज़ डेप्रिशिएट हो रही है। अगर किसी पर्सन ने जन्म लिया है तो डेफिनेटली उसकी एज भी धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती जा रही है ना, बस। और फिर ये है एक्सपेंसेस। डेप्रिशिएशन क्या है? डेप्रिशिएशन है एक्सपेंसेस जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं एज एन एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसके डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, हमारे खर्चे होते हैं। समझ गए? अच्छा, अब आप देखोगे कितने तरीके की वर्ड्स आते हैं। एक तो आता है डेप्रिशिएशन, एक होता है एमोर्टाइजेशन, और एक होता है डिप्लेशन। डेप्रिशिएशन जैसे हमने बता दिया फिक्स एसेट्स का होता है, वो भी टेंजिबल एसेट्स का। अब अमोर्टाइजेशन ये किसका होता है? ये होता है इनटेंजिबल एसेट्स का। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जो दिखती नहीं है, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इनका होता है क्या होता है? अमोर्टाइजेशन। ये भी कम होते हैं, समझ गए? चलो आगे, डिप्लेशन। डिप्लेशन होता है जैसे माइंस होती है ना, है ना, रिसोर्सेज क्योंकि अनलिमिटेड नहीं है, आप ज़मीन में से किसी चीज़ को अंदर से खोद खोद के निकाल रहे हैं, एग्जोशन लिखा हुआ निकाल, तो फिर वो क्या होती है, वो कम होता जाता है, डेट इज़ फॉर डिप्लेशन।
तो ये आपको तीन वर्ड्स हम जो पढ़ाएंगे अभी आपको, वो हम पढ़ाएंगे आपको डेप्रिसिएशन, समझ गए। ये आपका छोटी सी थ्योरी थी। अब आ जाते हैं इसके मैथड पर। देखो डेप्रिसिएशन को हम सॉल्व करेंगे बाय टू मैथड। अच्छा एक और चीज़ बताने से रह गई आपके, जैसे ये बिल्डिंग्स होती हैं, ये इन टेंजिबल फिक्स एसेट्स में लैंड भी आते हैं, लेकिन लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि लैंड जो होती है रिसोर्सेज होती है, नेचुरल रिसोर्स होती है, और उनका डेप्रिसिएशन नहीं होता, बल्कि वो तो और एप्रिशिएट होती जाती है, डेप्रिशिएट नहीं होती लैंड कभी भी। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो जाएगी क्योंकि वो बनवाया है हमने, लैंड तो नेचुरल रिसोर्स है ना, इसलिए उसका नहीं होता, ठीक है। सॉरी, चल गए मैथड की साइड। एक होता है इसमें स्ट्रेट लाइन, और सेकेंड आ जाता है डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब जितने रुपए की खरीदी गई है कोई भी चीज, है ना, कोई भी चीज़, जैसे माना एक मशीनरी का एग्जांपल लेकर के चल देते हैं हम लोग। एक मशीनरी है वो 5 लाख रुपए की खरीदी गई है, तो डेप्रिसिएशन जितने भी साल पर लगेगा, कभी भी कितने भी साल का हम लगाएंगे, वो 5 ईयर्स 5 लाख पे ही लगाते जाएंगे, समझ गए। स्ट्रेट लाइन है क्योंकि वो हम उसमें उसकी कॉस्ट पे ही लगाते हैं, उसको चेंज हम नहीं करते हैं कभी भी, समझ गए। डिमिनिशिंग में चेंजेस होते हैं, जब मैथड्स को हम पढ़ाएंगे तब हम इसको बताएंगे। अभी हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन की साइड पे, ठीक है, उसका डिटेल करा दो और 2-4 क्वेश्चन आपको करा देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं छोटे से क्वेश्चन के साथ, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड भी बता दिया हमने, जो कॉस्ट प्राइस पे लगेगा। अब सबसे पहले इसमें डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू जो होगी वो लेस कर देंगे, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये तो हमारा डेप्रिसिएशन, इससे अमाउंट कैलकुलेट होगा। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन माने इतने परसेंटेज पर कितना रेट होगा, है ना, तो वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो यहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगा अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन इनटू 100, ये परसेंटेज में आ रहा है कैलकुलेट होकर, समझ गए। छोटा सा हमने क्वेश्चन नोट किया हुआ, जैसे किसी भी एक एसेट को हमने 7,40,000 में परचेज किया, उसके इंस्टॉलेशन पर, मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर हमने 60,000 रुपीज़ और खर्च किए। 7,40,000 रुपये की हमने मशीनरी खरीदी और 60,000 रुपये उसको लगवाने में खर्च किए, तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 लाख की हो गई, समझ गए। मशीनरी की कॉस्ट कितनी होगी हमारी, 8 लाख की, हम 8 लाख लिखेंगे यहाँ, समझ गए। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी, 40,000 माइनस 40,000, और यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी, 5 ईयर्स अपॉन 5, देखो ठीक तो सॉल्व कर लेंगे आप सिंपल। ये तो हो गया इसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अब हमें रेट भी इसका कैलकुलेट करना है। रेट कैलकुलेट करने के लिए जो डेप्रिसिएशन आ जाता है निकल के आंसर, अपॉन जो कॉस्ट है हमारी 8 लाख इंटू 100, ये सॉल्व करेंगे। ये आपके दोनों आंसर कैलकुलेट हो गए, एक 1,22,000 और एक आ जाता है 19,000, ठीक है। अब चलते हैं इसके अकाउंट की साइड, ठीक है। जो मशीनरी अकाउंट बनेगा और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे,
स्टार्ट करते हैं भाई अपने एक छोटे से क्वेश्चन के साथ, है ना। हमने लिखा 1 अप्रैल को 2015 को एक मशीनरी खरीदी गई है 2 लाख रुपीज़ की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ 10% का 1 अक्टूबर 2017 को, यानी कि आफ्टर तकरीबन 2 ईयर्स इसको सेल भी किया गया 1,20,000 रुपीज़ का। हमको बनाना है मशीनरी अकाउंट, ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। देख डेप्रिसिएशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, क्योंकि 11th क्लास के तो सिलेबस में है आता ही है, 12th का भी बहुत काम है, और आगे आगे भी जब आप और कॉमर्स की स्टडी करते हैं उसमें भी आपके काफ़ी काम आ जाता है। एक फॉर्मेट इसलिए कि हम बताना ये ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके से चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। यहाँ लिखा जाएगा इसमें डेट, ये अमाउंट का हो गया, ये पार्टिकुलर्स हो गए आपके, ठीक है, और ये भी ये किसका हो गया, डेट का हो गया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट अमाउंट का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को 2 लाख रुपीज की परचेज की गई, फर्स्ट 15 2 लाख, ठीक है, समझ गए, परचेज हो गई है। आगे हमारे पास अब चलते हैं 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2 लाख का, 10% कितना हो गया, 20,000 रुपये, बिल्कुल सिंपल, बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लगेगा, ये लास्ट में साल के लास्ट में, साल का लास्ट कब होगा, 15-16 चलता है ना अपना ईयर, तो ना ये 31 मार्च 2016 डेप्रिसिएशन कितना आ जाता है हमारे, 20,000 रुपये का आ जाता है, समझ गए। बस इसी में बैलेंस निकाल देंगे हम अपना, सीडी कर देंगे, 2 लाख में से 20,000 लेस कर देंगे, ये 1,80,000 बैलेंस अपना टोटल कर लेंगे, ये हो गया अपना 1 ईयर का फिनिश हो गया। अब बनाएंगे हम 16-17 के लिए, ठीक है, 16-17 के लिए नेक्स्ट में ट्रांसफर कर लेंगे, हमारा आ जाएगा ये 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस कितना आ जाता है, 1,80,000। 31 मार्च यानी कि फिर से पूरे साल बाद, यानी कि 31 मार्च 2017 में फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन जब जब जितनी बार टाइम हमारे पास मशीनरी रहती है उतने साल का हमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं स्टैम्प पे आपको स्ट्रेट लाइन मेथड, तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमेशा 2 लाख पे ही लगेगा, ठीक है, 2 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 2 लाख का 10% फिर से 20,000 रुपये, और फिर से बैलेंस निकालेंगे इसका हम 1,80,000 में से 20 1,60,000 ऐसे ही इसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं जब तक कि मशीनरी के साथ कुछ और नहीं होता है, राइट। बैलेंसेस हमारे आगे 31 मार्च, अब हमारा बैलेंस आ जाता है 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस कितना आ जाता है, 1,60,000 बाय डेप्रिसिएशन हमको लगाना होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने इस मशीनरी को सेल कर दिया है 1 अक्टूबर को, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ, ओनली 6 मंथ मशीनरी हमारे पास थी, देन डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइड फॉर जस्ट ओनली 6 मंथ्स बाय डेप्रिसिएशन 6 मंथ का, तो ये ऑब्वियस ऐसे ही निकाल सकते हैं, जब पूरे साल का 20,000 लग रहा है तो 6 मंथ का 10,000 हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट अक्टूबर को, क्योंकि सब ट्रीटमेंट अब हम 1 अक्टूबर को दे देंगे, कितने का हो गया, 10,000 रुपये का। इसको हमने सेल भी किया इसीलिए, तो बाय बैंक सेल करने के लिए कितने का हो गया, 1,20,000 रुपीज़ का, ठीक है। अच्छा अब सुने,
एक और बहुत जो जरूरी काम आपको डेप्रिसिएशन में करने पड़ेंगे, जब जब मशीनरी सेल होगी हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो मशीनरी हमने प्रॉफिट पे सेल की है या फिर लॉस पे सेल की है। ठीक है, अब देखें ये कैसे निकलता है। देखो मशीनरी की कॉस्ट कितनी आ रही थी, 1,60,000 डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद। 1,60,000, 10,000 रुपीज का ये वाला डेप्रिसिएशन लेस कर लो। कॉस्ट निकालेंगे हम मशीनरी की इस टाइम पे, जब हम बेच रहे हैं उस टाइम पे मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 1,60,000 में से 10,000 ये लेस कर लेंगे, 1,60,000 और 10,000 इतने की कॉस्ट हो रही है मशीनरी की, 1,50,000, 1,50,000। 1,50,000 की मशीनरी को और हम कितने में सेल कर रहे हैं, 1,20,000 में। हमको लॉस कितने का हो रहा है, 30,000 रुपीज का। समझ गए, लॉस प्रॉफिट आपको हर हालत में निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में दिखाएंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000, क्योंकि हमने पूरी मशीनरी सेल कर दी। आपको यहाँ पर आकर के अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ये आपका आंसर होगा जो आपने लॉस कैलकुलेट किया है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए जाएंगे वो आपका आंसर होगा। ये बन गया आपका एक क्वेश्चन, फिनिश हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। आगे चलते हैं। अभी हमने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, एक और आता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस अकाउंट इज मेंटेन्ड, है ना। एक तो होता है, देखो देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गए, एक क्या हो रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में वो बिल्कुल क्लियर कह के आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्युमुलेटेड मतलब अगर इसे सिंपल फॉर्म में समझो तो इकट्ठा, है ना, इकट्ठा। तो यहाँ पर दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, जैसे हमने एक मशीनरी अकाउंट बनाया था अभी और हमने उसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया था ना, बस अब आपको ये वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम उसका एक अलग से अकाउंट बनवाएंगे जहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। तो मशीनरी अपने ही कॉस्ट पर ही लिखी जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं। टू बैंक बाय बैलेंस, फिर इधर टू बैलेंस बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय बैलेंस, खत्म। समझ गए, है ना। और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम अकाउंट खोल देंगे बस, तो उसमें हर ईयर का जो जो डेप्रिसिएशन हुआ वो उसमें, जैसे पहले बार में 20,000 लगा, फिर दूसरी बार में फिर 20,000, तो 20,000 20,000 40,000 आ जाएगा फिर नेक्स्ट में, और फिर वो पूरा अमाउंट हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखा हमने, डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू एसेट, एसेट में ये क्रेडिट नहीं किया जाएगा। क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कहाँ किया जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, राइट। और एसेट्स कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाई जाए, मतलब मशीनरी जो भी होगी या आपकी कोई भी एसेट है वो कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाई जाएगी, कहाँ पर, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम निकाल के लेके आएंगे वो हमारी इसका क्या बन गई, लाइबिलिटी, वी हैव टू पे देम इन फ्यूचर, राइट। तो वो हम कहाँ शो करेंगे, वो हम करेंगे अपने लाइबिलिटीज में, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन लाइबिलिटीज। समझ गए, बस इतना सा अंतर है इसमें और उसमें। ठीक है, चलो अभी डेप्रिसिएशन का आपको स्टेट लाइन के एक और क्वेश्चन करा दें, बस उसके बाद ये आपका क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन हमने लिखा है आपको, हम पढ़ के एक और बार बता देते हैं। एक मशीनरी परचेज की 2014 फर्स्ट जुलाई को 30,000 रुपये की, एक और मशीनरी खरीदी उन्होंने फर्स्ट जनवरी 2015 को 20,000 रुपये की, फिर 1 अक्टूबर 2015 को एक और खरीदी 10,000 रुपये की, 1 अक्टूबर 2016 में 1/3 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2014 बिकेम ऑब्सोलेट, बेकार हो गई, तो उसे बेच दिया गया 3,000 रुपये में। डेप्रिसिएशन लगाना 10% का, मशीनरी अकाउंट हमको प्रिपेयर करना, ये जो 1/3 पोर्शन है मशीनरी का नाउ कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल है। मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, ये बनाना मेन है, बाकी जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन ही आपका शो कर दिया जाता है। ठीक है, ये अकाउंट आपका मेन अकाउंट आ जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले बैंक का परचेस किया गया 1 जुलाई को, डेट मेंशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कब कितने का आ गया, 30,000 का।
बाय डेप्रिसिएशन, अच्छा वेट कर रहे क्या, अच्छा बाय डेप्रिसिएशन लगा दो तुरंत इस पर 31 मार्च को, वो भी ये 14 है तो 2015 में, ठीक है। ये आया था हमारे पास 30,000 रुपये का, 30,000 पर 10% तो 3,000 बनता है, लेकिन ये खरीदी कब गई थी, जुलाई में, यानी कि 9 मंथ्स का निकलेगा। 3,000 × 9/11 2250 का, ठीक है। अभी 1 जनवरी 2015 भी इसी में ही आएगा, इसी में आएगा ना, 1 जनवरी 2015 20,000 रुपये की टू बैंक, 20,000 का एक और आ गया, ये भी मशीन ही हमारे पास आ गई। इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन इस पर सिर्फ लगेगा 3 मंथ्स का, क्योंकि ये जनवरी में आई थी, तो जनवरी फरवरी एंड मार्च 20,000 पे लगा देंगे 10%, तो ये हमारा 10% तो 2,000 रुपये का बनता है, 2,000 का 3/12 कर देते हैं उसको, सिर्फ 500 रुपये का बाय डेप्रिसिएशन 500, ठीक है, है ना। अब तो ये 1 जनवरी 1 अक्टूबर 2015, यानी कि अब ये नेक्स्ट में हो गया 15-16 में, पहले से कैलकुलेट करेंगे इसके हम। अभी हमारे पास 2 मशीनरी हो गई, तो मशीनरी 1 मशीनरी 2 नाम कर देते हैं, क्योंकि हमारे बैलेंस क्लियर हो जाते हैं। अभी 30,000 में से हम लेस करेंगे 2250 और 20,000 में से लेस करेंगे हम 500, ठीक है। अब 30,000 में से हमने लेस किया 2250, ₹27,750 और ये आगे 19,500 टोटल हो जाएगा, टोटल की तो कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट में हम अपना ट्रांसफर कर लेते हैं 1 अप्रैल 2015 को, 2 बैलेंस दोनों मशीन, ठीक है, 27,750 सॉरी और 19,500, ठीक है। चल देखें अब कैसे इस वाले का चेंजेस है। हाँ, इसमें 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी गई, 1 अक्टूबर 2 बैंक खरीद लें, एक और मशीनरी कितने की, 10,000 रुपये की। चल अब हम इस पर लगाना शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन, सेल तो अभी हुई नहीं है, अब लगाएंगे हम यहाँ पर 31 मार्च डेप्रिसिएशन, तो यह इस पर लगेगा पूरा, है ना, तो पुरानी वाली मशीन पर तो पूरा लगेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 पे और 2 पर, ठीक है। तो ये पूरा लगा दो, 3,000 रुपये का तो इस पर लग गया, 2,000 रुपये का इस पर लग गया, इस पर जो लगेगा मशीनरी नंबर 3rd पर, इस पर लगेगा 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, इस पर लगेगा 6 मंथ का, तो ऐसे ही लग सकता है 10,000 पर 10% से 1,000 का बन जाता है, उसका आधा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 500 रुपये का, समझ गए। चल तीनों मशीन भी होगी, अब तीनों मशीन के बैलेंसेस कैलकुलेट कर लो, बैलेंस अभी हम बार बार कह रहे हैं, बैलेंस तीनों मशीनों के हम अलग अलग रखेंगे, ठीक है, जिसका डेप्रिसिएशन है आप उसका उसी में से ही लेस करेंगे। जैसे 27,750 में से 3,000 लेस करेंगे तो 24,750, 19,500 में से 2,000, 10,000 में से 500 तो 9,500, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ईयर पे, जो हमारा मेन ईयर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको मशीनरी को सेल करना है। 1 अप्रैल आ जाता है हमारा यहाँ पर 2016, पहले हम बैलेंसेस ले लेंगे अपने यहाँ पर सारे, मशीनरी नंबर 1, मशीनरी नंबर 2 और मशीनरी नंबर 3, 2 और 3। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा है 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल को ही 1/3 ऑफ द मशीनरी जो यहाँ ये खरीदी गई 30,000 रुपये वाली, वो बेकार हो गई, और उसको उसका 1/3 पोर्शन सेल किया गया है, उसका 1/3 पोर्शन सेल किया गया, ठीक है। इसका मतलब जो ये बैलेंस हमारा आ रहा है, इसका 1/3 हम कैलकुलेट कर लें, इसका 1/3 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो
24,750 का वन थर्ड। ₹8,250 की मशीनरी को हमने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया हमने? ₹3,000 में सेल कर दिया। समझ गए? 8,250 का था बैलेंस हमारे पास निकल के आया है। ये 24,750 की मशीनरी को 1 अप्रैल 2016 में हमने, और यहाँ पर हमने सेल कर दिया उसको ₹3,000 में सेल कर देते हैं। ये आ गया हमारा लॉस। लिखेंगे हम सारा पहले यहीं पे 1 अप्रैल को बाय बैंक पहले सेल करो मशीनरी। कितने का हुआ है? ₹3,000 का, ठीक है। उसके बाद इस पर लगाएंगे हम, ये हमारा लॉस हो रहा है कितने का? 5,250 का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई मेरी, है ना। अब क्या होगा जी, ये तो इतनी बात यहाँ से खत्म ही हो गए। 24,750 का हमने यहाँ से वन थर्ड हटा लिया। वन थर्ड को हटाने के बाद में अब हमारी मशीनरी हमारे पास बची कितनी है वो हम इसमें यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 24,750 माइनस 5,250 19,500 की मशीन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को यहाँ पर, है ना। जो मशीन अब बची है यहाँ पर वो बची है हमारी 19,500 की मशीन, वो बैलेंस हम निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन, कितने की मशीन रहेगी हमारे पास यहाँ पर, डेप्रिसिएशन कैसे काटेंगे यहीं से कैलकुलेट करेंगे। 30,000 की मशीन का वन थर्ड, 30,000 की मशीन का वन थर्ड यानी कि 10,000 का पार्ट बिक गया। अब कितने का रह गया? 20,000 का। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 20,000 पे। समझ गए? अब डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? अब डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 पे, यानी कि अब डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे सिर्फ हमारा ₹2,000 का, जब वो आएगा 31 मार्च को। ये वाला काम तो सारा अभी 1 अप्रैल को हो रहा है जब मशीनरी सेल हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम और तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम यही शुरुआत से कर सकते हैं, इस ₹10,000 के जो वन थर्ड का पोर्शन किया गया इसको हम शुरुआत से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे शुरुआत से हमने ₹10,000 लगेगा कितना? ₹1,000 का। तो ₹1,000 को ये हमने कब खरीदा था? जुलाई में, यानी कि 9 मंथ्स का लगेगा, तो ₹900 का लगेगा। तो ये कितने का हो गया? ₹900 का एक डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ पर लगेगा तो ₹1,000 का एक डेप्रिसिएशन, ₹1,900 का डेप्रिसिएशन कटा। ₹10,000 में से ₹1,900 लेस कर देंगे हम, है ना। तो 10,000 में से और हमने 1,900 लेस कर दिए, तो ये हमारे आएंगे ₹8,100, ठीक है। 8,100 की मशीन को और हमने यहाँ पर इसका मतलब सेल किया ₹3,000 में। समझ रहे हैं आप? ठीक। तो ये इस तरीके से ये पूरा ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। और जो बचेगा पोर्शन, उस पोर्शन को हम यहाँ पर, बाकी जो मशीनरी है वो तो सेम आई जाएंगी। जैसे अब तो मशीनरी पूरी होगी 17,500 की, तो उसका भी आ जाएगा। और तीसरी आगे हमारे पास 9,500 की, उसका भी पूरा आएगा। माने ये लगेगा कॉस्ट प्राइस पर ही जाकर के, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई, लॉस या प्रॉफिट आपको क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आप ही की बुक का क्वेश्चन था, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 5,250 का हमारा लॉस भी हमारा सब कुछ आ चुका है, ठीक है। पहले से हमारे मैच हो ही जाएंगे सारे आकर के। ये आ गया, ठीक है। ये सब हम हटा देंगे ऊपर से, तो समझाने के लिए हमने आपको बता दिया था, ओके। चलो डेप्रिसिएशन भी निकाल दें तीनों का। अब बाय डेप्रिसिएशन आ जाता है इस वाली मशीनरी पर 20,000 का, तो ये 2,000 का आ जाएगा। और अब एक और जो हमने मशीनरी खरीदी थी 10,000 का, उसका 1,000 का आ जाएगा। तीन डेप्रिसिएशन हो गए, ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है। और तीन ही हमारे इसमें बैलेंसेस आ जाएंगे, बाय बैलेंस 1, बैलेंस 2 और बैलेंस 3, जो इसमें से इसको आप लेस कर देंगे तो आपको मैच हो जाएगा। हम इतना करें, टाइम वेस्ट होगा, नेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। ये तो थे आपके स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको सिखाएंगे डिमिनिशिंग मेथड से।
ठीक है, तो इसको रिवाइज करें, इसको समझें, और इससे रिलेटेड कोई भी करियो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलो, टेक केयर, गुड बाय।